येस वी आर लाइव नाव हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं वेलकम टू लेट्स लर्न सभी गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सक्ष असलम वॉट एील कनेक्टेड विद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप बड़े से परेशान हैं आई I मीन mean, ज्यादा परेशान हैं और uh, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो लोग तो कॉल भी करके बात कर चुके हैं इस बारे में तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत है मतलब बात अगर मुझ तक आ जा रही है तो मुझे समझ आ जाता है कि हाँ ज्यादा परेशानी है तो नहीं तो टीम तक रिजोल्यूशन जो है हो जाता है जो भी सोल्यूशन निकलना होता है तो खैर समझते हैं कि बीएड को क्या नॉर्मल बीएड को भी बंद कर देंगे ये या अभी क्या स्थिति है स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड एड दो की जगह चार साल हो गया है सी का एडमिट कार्ड कब आएगा या पेपर आगे रेट बढ़ेगी क्या होगा इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बात है डी टूल एस बी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं और जो आई हुई हैं उनके ले, उनको लेकर के एक बैच के बारे में भी चर्चा कर लेंगे जो मैं आपको बताना पहले भूल गई थी चलिए आते हैं फटाफट से पहले बात करते हैं ये रीहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है एक स्टैचूट्री बॉडी है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर और यहाँ से ही सारा जो भी स्पेशल एजुकेशन का जो भी डिप्लोमा से लेके और डिग्री तक बीएड तक यही इशू करते हैं इन्होंने एक नोटिस जारी किया था अभी दो चार छः दिन पहले कि डिस्कटिन्यूएशन ऑफ न्यू अप्रूवल टू बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम कि अब जो है बी एल स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो दो साल वाले को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया जाएगा जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि भाई अब जो आपका 2030 से जो बी होगा वो अपना इंटीग्रेटेड बड़ा ही कोर्स होगा चार साल का ही कोर्स होगा तो समझते हैं एक बार कि कहानी क्या है और चीजें धीरे धीरे किस तरफ जा रही हैं टीचिंग एग्जाम्स में मुश्किल तो हो ही रही है समय के साथ तो आपको जब आपको मौका लगे तब अपना बेस्ट दे करके पेपर निकाल के फ्री हो जाना चाहिए आज मैं थोड़ी सी व्यस्त थी तो इस चक्कर में आपका जो ऑफलाइन वो वाला जो क्लास होती है सी की वो नहीं हुई है परसों आपका मैराथन है सी को लेके चलिए फटाफट से बात करते हैं बी के बारे में तो इन्होंने सर्कुलर में साफ साफ कहा हुआ है चार जनवरी की डेट को आया था कि जो एनसी है जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है सारा कुछ प्लान वही करती है है ना अब कई लोगों को इसमें यह भी बात है कि हमने आ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो एक साल की बीएड और इस तरह की बातें भी आ रही हैं उन पे भी चर्चा करेंगे बहुत सारी बातें हैं जिन पे चर्चा करनी है ठीक तो कॉम्पिटेंसी को बेटर करने के लिए टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स मतलब हमें चाहिए टीचर्स एकदम कॉम्पिटेंट है ना तो अब कई लोग आएंगे नीचे कमेंट में लिखेंगे कि ये लीडर्स से भी करा लो पॉलिटिकल जो चीज़ों में इनसे भी इनका भी एग्जाम होना चाहिए है ना दुखी हो जाते हैं कई लोग एस्पिरेंट्स चलो ठीक है अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे बट देखते हैं अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स कि हमें कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए है ना जो नाम के ना हो पहले टेट लाए फिर उसके बाद बी पहले छः महीने एक साल फिर दो साल का हुआ तो एन की अगर हम माने तो उन्होंने कहा एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आई को लॉन्च किया गया है एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी के अकॉर्डेंस में मतलब अकॉर्डिंगली जैसा उन्होंने कहा था ठीक है ड्यूरेशन ऑफ बी एड प्रोग्राम है ईयर्स दो साल की जगह बी क्या होगा दो साल का चार साल का होगा और डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल ऑफ टू ईयर बी प्रोग्राम फ्रॉम दी एकेडमिक सेशन 2023 ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी यानी अगर आप अभी हैं अब इसमें ऐसा नहीं लिखा कि अब आप, आपको दो साल की बी खत्म और चार साल की बी अब आगे से होगी ठीक तो जो लोग कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है जिनके पास ऑलरेडी दो साल की बी है या जिनके पास आज तक एक साल वाली भी बी है वो भी मान्य है जिन्होंने जो, जो कर चुके हैं या कर रहे हैं प्रोसेस में उनको तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से लेकिन अब आगे से जो है चार साल का बी हुआ करेगा स्पेशल एजुकेशन में जो आपका विशेष शिक्षा वाला जो आ, होता है एग्जाम जिसको हम डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका ये चार साल का इन्होंने सबसे पहले कर दिया है और आगे जैसा कि दिख ही रहा है इनके जो इंटेंशन है वो नजर आ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आया तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ स्पेशल एजुकेशन तक सीमित रहने वाला है आज नहीं तो कल जो नॉर्मल वाली बी है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही कि वो दो से चार होगी या कब तक होगी क्या रहेगा उस पर अभी हम इंतजार करेंगे ठीक है ना दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रेंट न्यू अप्रूवल्स टू एनी इंस्टीट्यूशन रनिंग फॉर टू ईयर बी अब स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें बी की तो दो हजार से नए जो इंस्टीट्यूशन है किसी को कॉलेज ओपन करना बीएड के लिए तो अप्रूवल नहीं मिलेगा दो साल की बीएड नहीं चार साल की ही होगी तो ये तो सिंपल सी बात है अंडरस्टूड है ये बात ठीक तो ऑल द इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हु डिजायर टू अब ये जब भी ओपन करेंगे तो चार साल के अप्रूवल के लिए कॉलेजेस जो है वो ले पाएंगे जिनको अपने यहाँ बी वगैरह कराना है अब कुल मिला के बात करते हैं ये तो बैच पर बाद में बात करेंगे यानी डी प्लस बी का जनरल पेपर का बैच है जो रिकॉर्डेड बैच है बहुत ही कम फीस है जिसकी और एक साथ आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे पेपर वन में मतलब अनमैचेबल है जो टीम है है ना चलिए आते हैं अगर हम समझते हैं कहानी यहाँ पे बी की देखो आज अगर हम देखें तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सीटेट का भी सिलेबस हमें देखने, बदला हुआ देखने को मिले एनटीए ले ले कब से बात चल रही है ना ऑनलाइन हो जाए फिर से तो अभी जो समय है उसमें बेस्ट करना है नॉर्मल बी का अभी क्या होगा कुछ नहीं पता कुछ लोग ये कहेंगे ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए दो साल का होगा पीजी जिन्होंने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए तो उनके लिए एक साल का बी हो जाएगा अभी तो ज़रूरी नहीं होता है दिल्ली वगैरह में तो लेकिन उनको करना होता है बाद में तो इस पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है ये बात कहीं से भी आई नहीं है क्योंकि एक न्यूज़ आती है ऑफिशियल और चार न्यूज़ उसके साथ

एनईपी में भी लिखा हुआ है कि बी जो है आपकी वो चार साल का कोर्स हो जाएगा ये दो साल वाला भी कहानी जो है चली जाएगी तो धीरे धीरे कर देंगे उसको भी ये लोग लेकिन अभी स्पेशल एजुकेशन में ये चीज़ हो चुकी है इंप्लीमेंट जो लोग कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है उनकी डिग्री मान्य रहेगी कल भी थी आज भी है ठीक तो आप अपनी नौकरी टाइमली लीजिए चीजें मुश्किल हो रही हैं वैकेंसीज आसानी से देखने को नहीं मिलती कैलेंडर्स अब जैसे बिहार में कैलेंडर जारी हुआ है यूपी में हम संभावना देख रहे हैं अभी प्रेस में जो है वैकेंसी आई है तो ये जहां मौका मिले जहां जिस जिस स्टेट में वो आप करते जाइए तो ये एक बेसिक सी बात हुई ये बैच है डी टू प्लस बी का सी टेट के एडमिट कार्ड पे भी बात कर लेंगे डी प्लस बी का जनरल पेपर जो आपका एन टी टी की वैकेंसीज आई हुई हैं जो हम कहते हैं ईसीसी नर्सरी टीचर की और अगर हम बात करें टी जी टी की अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी हैं पीजीटी की अगर हम बात करें और प्राइमरी की भी जल्दी ही देखने को हमें मिलेंगी ऐसा हम कयास लगा रहे हैं तो इन सभी के लिए यानी कोई भी लेवल है जहाँ पे सौ नंबर का आपका पेपर वन आता है यानी पार्ट वन जो आता है डी प्लस बी में तो वो सारे टीचर्स हैं अपने आप में बहुत सालों से एक्सपीरियंस हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सभी में तो आप ये सारी ही सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे एक साल की वैलिडिटी रहेगी इस पर और ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा था बस मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई कुछ एट के अराउंड इसकी फी है पूरे कंप्लीट बैच की जो भी एक साल या जितनी भी आपका छह महीने की वैलिडिटी है तो वो आप कितनी भी बार उसको देख पाएंगे तो ये एक बेसिक सी बात हो गई डीट प्लस बी को लेकर के तो आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहा हो आप करने वाले हो है ना बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टीजीटी से लेकर के और पीआरटी में बहुत सारे सिलेक्शंस ये पेपर वन में लोग तैयारी करते हैं कई बार सब्जेक्ट आपका बैच आप नहीं ले रहे हो सब्जेक्ट का लेकिन जनरल पेपर का आप ले लेते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं सी की तो कई लोग कह रहे हैं भाई जो है पेपर के आगे बढ़ेगा जो अयोध्या वाली चीज चल रही है उसकी वजह से या क्या रहेगा तो 22 को जो है यूपी में आई थिंक इंस्टीट्यूशन और सारी चीज़ें बंद हैं इक्कीस को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है एक परसेंट आप चलो मान के भी चल लो लेकिन आपको तैयारी इक्कीस के हिसाब से करनी है हमारा भी मैराथन सेशन उसी हिसाब से चल रहा है तो हम मान के चलेंगे मान के क्या चलेंगे अभी तक क्लियर ही है ऑफिशियली यही बात है कि ट्वेंटी जनवरी को हमारा सीटेट का एग्जाम है एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा प्री एडमिट कार्ड वाला जो पंगा है इस बार नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो पिछली बार जो है चीज़ें डिफरेंट थी क्योंकि ऑनलाइन के बेसिस पे उन्होंने फॉर्म फिलिंग कराई थी और मे बी उस रीजन से जो है पहले सेंटर ना बताए हूँ दो दिन पहले जनरली होता है ऑनलाइन एग्जाम में एक हफ्ते पहले नॉर्मल एडमिट कार्ड कहाँ है आपका एग्जाम किस सिटी में वो पता लग जाएगा और दो दिन पहले आपको पता लगता है कि आपका जो फाइनल सेंटर है वो पता लग जाता है लेकिन मुझे लगता है कि पंद्रह या चौदह तेरह से पंद्रह के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे बिफोर वन वीक तो हम ये मान के चलेंगे कि एक हफ्ता पहले एग्जाम से एडमिट कार्ड हमारे हाथ में होगा अभी तक डेट चेंज होने का या कुछ भी मुझे नहीं लगता कि होगी कई लोग ये बैच में भी बात पूछते हैं मुझे नहीं लगता डेट चेंज होगी बहुत कम चांसेस हैं है ना और अगर हुई तो सबको पता लग ही जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको तैयारी अपनी किस जनवरी को लेकर के करनी है क्लियर है बात अब किसी को कुछ पूछ रहा हो पूछना हो तो बता दीजिए है ना आ, बी एड वाली बात मैंने आपको बता दी आज नहीं तो कल नॉर्मल बी एड भी जाएगा ही चार साल पे लेकिन अभी के लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेशन पे ये बात आई है जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो मस्त तैयारी करें जो पढ़ रहे हैं अपना जिस भी कोर्स में उसको पढ़ें वो वैलिड रहेगा इतने आप अपनी नौकरी लीजिए दो में अभी समय भी है ठीक है ना और आ, मुझे बहुत डर लग रहा है मैम पेपर देते टाइम बहुत डर घबराहट होती है तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करके जाओ तो चीज़ें बनेंगी उससे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरा बी एड परस्यूइंग है वन ईयर है अब क्या होगा कुछ नहीं होगा ना अगर आप परस्यूइंग में तो क्या दिक्कत है ये रूल आज से लागू होगा ना ऐसा थोड़ी पीछे वाला ये रेट्रोस्पेक्ट में जाकर के थोड़ी किया है इन्होंने कि अब तक जिन्होंने भी एक साल का बी एड दो साल का बी एड किया सब खत्म हो जाएंगे नहीं आज दो साल का बी एड है एक साल वाले भी पेपर तो दे ही सकते हैं तो ऐसा नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है उस केस में और अगर आप अपने बी के फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट डे में भी है चार साल की कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहा है अगर आप पहले दिन में भी हैं तब भी आप सीटेंट दे सकते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है लगातार तो आज के लिए इतना ही ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा कॉमेंट में अपने विचार बताइएगा और तैयारी जम के कीजिए क्योंकि चीजें रूल्स दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं बीएड वालों को हटा दिया गया अब जिन्होंने पहले ले ली थी नौकरी ले ली थी तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आते रहते हैं और समय के साथ चीज़ें मुश्किल ही हो रही हैं अब वो बेटर भी है एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगता है बट कोई नहीं चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच टेक केयर कल मिलते हैं कल मिलेंगे नौ बजे और परसों मैराथन है सात बजे से शाम को सैटरडे को तेरह जनवरी